सेटअप करके दिखाऊंगा, यानी कि एक ही कंप्यूटर में हमारा विंडोज 7 भी चलेगा और विंडोज 10 भी चलेगा। बस आपको करना ये होगा कि जब आपको विंडोज 7 चलाना है तो कंप्यूटर ऑन करते समय विंडोज 7 सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद कंप्यूटर बंद कर देंगे। फिर से कंप्यूटर ऑन करेंगे तो फिर से आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि भैया विंडोज 10 चालू करना है या विंडोज 7। तो अब आपको विंडोज 10 चलाना है तो विंडोज 10 सिलेक्ट करके कंप्यूटर ऑन करेंगे, आपका विंडोज 10 चल जाएगा। तो डुअल सेटअप में यही होता है कि बंद कंप्यूटर को आप चालू करेंगे तो हर बार आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे कि भैया विंडोज 7 चलाना है या विंडोज 10 चलाना है, इसी को डुअल सेटअप बोलते हैं। और ये डुअल सेटअप उन लोगों के काम आता है जिनको डबल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है वो विंडोज 10 में अभी भी काम नहीं करता है, तो उसके लिए मेरे को विंडोज 7 में ही जाना पड़ता है। तो मैं कभी कभी इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, और सबके अपने अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो भैया विंडोज 7 चलाते हैं लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें विंडोज 10 चलाना पड़ता है, फिर भी वो अभी पूरी तरह से विंडोज 10 पे शिफ्ट नहीं हो पाए, तो इस वजह से उन्हें दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो विंडोज 10 का भी कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। और पर्सनली मैं अपनी बताऊँ तो जब विंडोज 10 आया था, जब मैं विंडोज 10 पहली बार चलाने लगा था, तो विंडोज 7 की आदत तो भैया मेरे को ऐसे लगी थी कि भैया छूट ही नहीं रही थी। तो मैं भी उस समय यही किया करता था कि मैंने भी अपने कंप्यूटर में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही साथ इंस्टॉल कर रखा होता था, कुछ काम विंडोज 10 पे करता था, कुछ काम विंडोज 7 पे करता था। बहुत लोग कहते हैं कि भैया इससे कुछ दिक्कत विक्कत तो नहीं होती है, तो देखो भैया कंप्यूटर कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए एक आत्मा जैसी है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इससे आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप और भी कई तरह की नई नई चीज़ सीखोगे। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम जिस कंप्यूटर में विंडोज 10 और विंडोज 7 का डुअल सेटअप करेंगे उस कंप्यूटर में विंडोज 7 पहले से ही डला हुआ है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे विंडोज 7 को हटाना भी नहीं है और विंडोज 10 को इंस्टॉल भी करना है, यानी कि दोनों को डुअल बूट ही करना है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि भैया उनके कंप्यूटर में विंडोज 10 पहले से ही पड़ा हो और वो विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि विंडोज 7 इंस्टॉल करके विंडोज 7 और 10 का यानी कि डुअल बूट सेटअप बनाना चाहते हो, तो वो लोग वीडियो को जरा ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में उन्हें कुछ ऐसे पॉइंट समझ में आ जाएंगे जिनकी वजह से आप अपनी मर्जी से भी कोई भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसका भी डुअल बूट सेटअप बना सकते हो, जैसे कि विंडोज 7 और विंडोज 8 का डुअल सेटअप, या विंडोज 8 और विंडोज 10 का डुअल सेटअप, या इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप रख सकते हैं, जैसे कि काले लिनक्स और विंडोज 10 का डुअल सेटअप, या उबंटू और विंडोज 8 का डुअल सेटअप। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो का अगला पार्ट भी है। अगले पार्ट में मैंने ये बताया हुआ है कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज 10 पहले से इंस्टॉल है, तो उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल करके कैसे उन दोनों का डुअल सेटअप बनाएंगे। उस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है, एंड स्क्रीन में भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ी कहानी समझ लीजिए। हम सबसे पहले विंडोज 10 की ISO फाइल डाउनलोड करेंगे, और वो ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद उसको हम अपनी पेन ड्राइव में बूट करवाएंगे और फिर उसी पेन ड्राइव के जरिए कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे। बाकी आगे की कहानी आप आगे समझी जाएंगे। तो ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए क्रोम ब्राउजर ओपन किया, क्रोम ही क्यों, आप और कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 10 लिख के सर्च कर देंगे, सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है इसे ओपन करनी है। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पेज कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर डाउनलोड टूल नाउ दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक छोटा सा टूल डाउनलोड होगा, 15-20 एमबी के आसपास होगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आप इसे डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ना दिखे तो डाउनलोड फोल्डर में आ गया होगा, वहां से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं डाउनलोड फोल्डर में आ गया हूँ, ये रहा टूल, इसके ऊपर अब राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्टर, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। यस करते ही आपके सामने विंडोज 10 की सेटअप दिख जाएगी। अगर ये नहीं दिख रही है तो 2-4-5-10-15-20 मिनट इंतजार करके देख लेंगे, दोबारा से डबल क्लिक नहीं करेंगे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब ये जो गोल गोल चक्री घूम रही है इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन स्टेप आपको पूरे पूरे दिखाते रहूंगा। कुछ ही देर में लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, भैया बिना एक्सेप्ट करे काम बनेगा भी नहीं। नेक्स्ट के लिए ऑप्शन दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट नहीं करना है। नीचे देखिए क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया दिख रहा है, इसके ऊपर मार्क लगाएंगे, अब नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे चेक मार्क को देखिए, यूज रिकमेंडेड पे मार्क लगा हुआ है,
इसको लगा रहने देंगे। मैं बता देता हूँ, ये इसलिए लगा है कि ये आर्किटेक्चर आपका अपने आप ही सिलेक्ट कर ले रहा है कि आपके कंप्यूटर में 64 बिट का विंडोज़ डाउनलोड करना है या 32 बिट का। जैसे इसे हटा देंगे तो हमारे पास ऑप्शन हो जा आ जाएगा कि कौन से बिट का हम डाउनलोड करने वाले हैं। वैसे आपका कंप्यूटर कौन से बिट का है इसको चेक करने के लिए स्टार्ट बटन दबाइए। यहाँ पे जो कंप्यूटर दिख रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज, सिस्टम टाइप में आप देख सकते हैं 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, तो हम 64 बिट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका 32 हो तो आप 32 सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे, ISO फाइल दिख रहा होगा इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। ISO फाइल से हमारा बहुत बड़ा फायदा होता है, एक ही ISO फाइल से हम हजारों पेन ड्राइव बना सकते हैं विंडोज डालने वाली। अब ये वो लोकेशन पूछ रहा है जहां पर आपकी ये विंडोज 10 की ISO फाइल सेव होगी, तो मैं ई डिस्क ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और ध्यान दें, सी डिस्क कभी भी मत सिलेक्ट करना। मैं ई को भी छोड़ के एफ सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ई में तो मैं विंडोज 10 इंस्टॉल करूँगा। अब इसका नाम दे सकते हैं, मैं विंडोज 10 64 बिट लिख देता हूँ। अब सेव कर देंगे। यहाँ पर अब आपकी विंडोज 10 डाउनलोड हो रही है, और डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर निर्भर है। फाइनली आपकी ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। इसे देखना नहीं है, इसे पेन ड्राइव में बूट करवाना है। पेन ड्राइव में बूट करवाने के लिए दोबारा से क्रोम ब्राउजर पे आ गए। ये क्रोम ब्राउजर बार बार मेरे मुँह से निकल जाता है, जरूरी नहीं है कि आप भी क्रोम पे ही आए। अब यहाँ पे रूफस लिख के सर्च कर देंगे। ध्यान से देख लीजिए, सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर आना है। अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए पेज थोड़ा नीचे करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा रूफस 3.12। इसके ऊपर क्लिक करते ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। कंप्लीट होने के बाद इसे आप यहां से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो वही पहले वाली बात है, डाउनलोड फोल्डर में से भी ओपन कर सकते हैं। ये रहा रूफस, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, रन एज एडमिनिस्टर, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। अब आप कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव कनेक्ट कर दीजिए जिसके अंदर आप विंडोज 10 की ISO फाइल बूट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने जी लेवल में 64 GB की पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी है। एक बार लेवल जरूर मैच कर लेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी जी लेवल है और यहाँ पे भी जी लेवल है। अब अपनी ISO फाइल सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाते हैं, एफ डिस्क में सेव करी थी हमने, ये रही ISO फाइल हमारी ओपन। अब पार्टीशन स्कीम में देखिए दो ऑप्शन दिखेंगे, GPT और MBR का, दोनों में से सिर्फ कोई एक ही सिलेक्ट करना है और एक ही सिलेक्ट होगा। अगर आपका कंप्यूटर GPT पार्टीशन स्टाइल पे है तो GPT सिलेक्ट कर लेंगे, MBR पे है तो MBR। और ध्यान दें, यहाँ पर अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आगे का काम रुक जाएगा, आगे काम होगा नहीं। जैसे कि आपने GPT सिलेक्ट कर लिया और अगर आपका कंप्यूटर MBR निकला तो आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव बूट नहीं होगी। और वहीं इसका उल्टा, अगर MBR सिलेक्ट कर रखा है और GPT निकला आपका कंप्यूटर, तो फिर भी आपकी पेन ड्राइव नहीं बूट होगी। आपका कंप्यूटर GPT पर है या MBR पे है इसको देखने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्च कर लेंगे, इसे ओपन करना है, डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए जो डिस्क 0 है जिसके अंदर सी ड्राइव इंस्टॉल है, ये देख सकते हैं, इसी का हमें चेक करना है। यही हमारे कंप्यूटर की डिस्क है कि ये MBR पे है या GPT पे। इसके लिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आ गए। अब वॉल्यूम टैब में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल में MBR लिखा हुआ है, ओके कर दिया, यानी कि हमारा कंप्यूटर MBR पार्टीशन स्टाइल पे है। तो यहाँ पे मैं MBR सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी ये सारी सेटिंग ऑटोमेटिक रहेगी। अब स्टार्ट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करते ही आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी और उसके अंदर विंडोज 10 की ISO फाइल बूट हो जाएगी। तो ओके करने से पहले ध्यान दे लीजिए कि आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा वगैरह ना हो, अगर है तो कैंसिल करके उसका बैकअप ले लीजिए। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, अभी इसे क्लोज कर दीजिए, आपकी पेन ड्राइव बूट हो चुकी है। अब अगले स्टेप में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, जिस डिस्क में विंडोज 10 इंस्टॉल करना है उस डिस्क का चुनाव करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में 3 डिस्क है, पहली वाली तो है सी डिस्क जिसके अंदर मेरा अभी का विंडोज 7 हुआ है, और इसके बगल वाली है ए डिस्क जो करीब 185 GB की है। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप सी डिस्क के बगल वाली ही डिस्क सिलेक्ट करें दूसरी विंडोज डालने के लिए। और इसके बाद जो डिस्क है एफ डिस्क 195 GB की, इसके अंदर मेरा पर्सनल डाटा वगैरह है। पहले मेरा कुछ डाटा ई डिस्क में भी पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें से हटा के इस वाली डिस्क में पेस्ट कर दिया है। मतलब आप भी जिस डिस्क में आप विंडोज डालने जा रहे हो उसमें कोई डाटा वगैरह पड़ा हुआ है तो उसे वहां से हटा के कहीं और सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि जब हम ई डिस्क
उसके अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे तो ये डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या मैं अपने कंप्यूटर में कोई एक्स्ट्रा पार्टीशन बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं विंडोज इंस्टॉल कर सकूँ और जिसकी वजह से मेरे को 2-3 पार्टीशन एक्स्ट्रा मिल जाए कि मैं उनमें डाटा वगैरह रख लूँ। तो हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये मेरी ई डिस्क है 185 GB की है, मैं चाहूँ तो इसके 2 या 3 टुकड़े भी कर सकता हूँ। जैसे कि 2 टुकड़े करूँगा तो एक टुकड़ा हो जाएगा 100 GB का और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 85 GB का। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले टुकड़े में यानी कि जो 100 GB का है उसके अंदर अपना विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकूँगा और उसके बाद बचेगा एक 85 GB का और एक 195 GB का, इसके अंदर मेरा पर्सनल डाटा वगैरह रहेगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपको मान लीजिए कि GPT और MBR डिस्क के बीच में क्या अंतर होता है, इन्हीं की मदद से आप अपने कंप्यूटर में नए पार्टीशन बना सकते हैं। क्योंकि GPT में अलग डिजाइन होता है पूरा पार्टीशन बनाने का और MBR में अलग डिजाइन होता है पार्टीशन बनाने का। इसका डिजाइन उस वाले में नहीं चलता है और उसका डिजाइन इस वाले में नहीं चलता है। और ये GPT और MBR में क्या फर्क होता है, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन पे दे दिया है, आप पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि नया पार्टीशन कैसे बनाएंगे। तो अभी हम ई डिस्क में ही विंडोज 10 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके लिए आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हुई है उसको कंप्यूटर में लगा देंगे और कंप्यूटर बंद कर दीजिए। और जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाए कंप्यूटर को दोबारा से ऑन करेंगे और फिर जैसे ही कंप्यूटर ऑन होने लगेगा अपनी पेन ड्राइव को बूट करवा लेंगे। अब ये तो मैंने एक लाइन में कह दिया कि ऐसे 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 कर लीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि पेन ड्राइव को कैसे बूट करवाते हैं तो इसके लिए बायोस सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो वो सब कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन पे है, वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ। इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो करीब 15-20 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, सब इसी में कवर करूंगा तो ये करीब 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मैंने पेन ड्राइव बूट करवा दी है। पेन ड्राइव बूट होते ही प्रेस एनी की टू बूट लिखा हुआ आएगा, कोई से भी की दबा देंगे पेन ड्राइव आपकी बूट हो जाएगी। और कंप्लीट होने के बाद विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल नाउ, प्रोडक्ट की डालने के लिए आ जाएगा। तो अभी हम प्रोडक्ट की नहीं डालेंगे, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करिए, बात को हम अपने तरीके से विंडोज एक्टिवेट करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ वर्जन दिख रहे हैं आपको, विंडोज 10 प्रो सेलेक्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट, ये लाइसेंस की स्क्रीन है, इनकी शर्तों को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। कस्टम, अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जितने पार्टीशन थे उन सभी की डिटेल दिखेगी, लोकल डिस्क ECD नहीं दिखेगा। आपको साइज के हिसाब से पहचानना है कि कौन सी डिस्क में विंडोज 7 इंस्टॉल था और कौन सी डिस्क में आपका डाटा है और कौन सी डिस्क में आप 10 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा मेरी ऊपर वाले डिस्क में विंडोज 7 इंस्टॉल है और आखिरी वाले में मैं कुछ डाटा वगैरह रखा हूँ, बीच वाली में मैं विंडोज 10 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, ये एग्जांपल था। तो इसी तरह से आप भी कोई एक डिस्क सेलेक्ट करके नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही विंडोज 10 इंस्टॉल होने लगेगी। यहाँ पर कुछ समय लग सकता है, ये समय आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के हिसाब से लगेगा, मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करूँगा। इसी देर में आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम भारत से हैं, इंडिया ढूंढ लेते हैं, ये रहा इंडिया। और यस, अब कीबोर्ड की लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आया है तो इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं, यस यहाँ पर स्किप कर देंगे। इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूछ रहा है तो आई डोंट हैव इंटरनेट कर देते हैं, मतलब अभी हमारे पास भैया इंटरनेट नहीं है। अभी यहाँ कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक करिए। यहाँ आप अपने कंप्यूटर के यूज़र का नाम डालेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए जगत ज्ञान डाल देता हूँ, आप अपना नाम डाल सकते हैं या आपकी मर्जी है जो मर्जी डाल लीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, यहाँ पर पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में पासवर्ड लग जाएगा और बिना पासवर्ड डाले नेक्स्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगेगा। अब ये ऑप्शन आया है प्राइवेसी सेटिंग के लिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोकेशन को बंद कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कंप्यूटर हमें ट्रैक करें कि हम भैया कहाँ पे हैं। आपकी मर्जी है, आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन भी रख सकते हैं। बाकी वैसे इनसे कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन मैं तो बंद ही करके रखता हूँ लगभग हर एक चीज़, ताकि मैं पूरी तरह से सिक्योर रहूँ। अब एक्सेप्ट करिए, यहाँ पर यस कर देंगे। अब ये कोर्टाना के लिए बोल रहा है, जैसे कि कोर्टाना वो है जो जिसको आप कुछ बोलते हैं वो ला के दे देता है, तो अगर आपको वो चाहिए तो एक्सेप्ट कर देंगे, मैं भी एक्सेप्ट कर देता हूँ, बाद को इसे हटा भी सकते हैं ना समझ आए तो। हाय लिख के आ गया है, अब ये फाइनल सेटअप है, लगभग हमारा काम जो है 90% हो चुका है। और नीचे देखिए डू नॉट टर्न ऑफ योर PC लिख के आया है, मैं आपको यही बात बताना भूल भी गया था कि ये सब काम करते समय कोशिश करें कि आपके सामने पावर का बैकअप हो, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार्जर लगा के ये काम करिए। अब विंडोज इंस्टॉलेशन हमारी लगभग क्या पूरी कंप्लीट ही हो गई है, माई कंप्यूटर खोल के देखिए, यहाँ पर जो सी ड्राइव है जिसमें अब हमारा विंडोज इंस्टॉल है, जिसके ऊपर अभी कंप्यूटर चल रहा है,
वो पहले बगल में थी लेकिन अब यहाँ पे आ गई है, और जिसमें हमारा विंडोज 7 इंस्टॉल था वो नीचे है 119 GB की। इसमें कुछ विंडोज की फाइलें वगैरह होंगी, तो आप एक काम करिएगा, इस वाली डिस्क में कोई फर्जी डाटा वगैरह मत रखना। अगर बाई चांस आपको जरूरत पड़ भी रही है कि इस डिस्क में की खाली जगह यूज करी जाए, तो एक नया फोल्डर बना लीजिए, उसका कुछ स्पेशल नाम रखिए और उसी फोल्डर के अंदर अपनी सब खिचड़ी पकाते रहिएगा। चलिए अब इस विंडोज 10 को बंद करते हैं, विंडोज 7 चालू करते हैं। यानी कि डुअल सेटअप दिखाता हूँ आपको, काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। शट डाउन कर दिया। अब हम दोबारा से कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ है हमारे सामने अब दो ऑप्शन आए हैं कि भैया विंडोज 10 चालू करना है या विंडोज 7। विंडोज 10 तो अभी हमने चालू किया था, अब विंडोज 7 चालू करेंगे। एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं विंडोज 7 स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब हमारे एक ही कंप्यूटर में दो दो विंडोज डल चुके हैं, हम दोनों का फायदा उठा सकते हैं बराबर। ये हमारे सामने डेस्कटॉप आ गया है, माई कंप्यूटर ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए सी डिस्क वापस से अपनी जगह आ गई है, और जो 185 GB की ई डिस्क थी इसके अंदर कुछ डाटा आ गया है, यानी कि ये विंडोज 10 की डिस्क है। अब इसमें भी सेम वही काम करेंगे, कोई फर्जी वो सब नहीं करेंगे, यानी कि फर्जी खिचड़ी नहीं पकाएंगे, इसमें कोई डाटा वगैरह नहीं रखेंगे। अगर फिर भी आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप इसमें का जगह यूज करना चाहते हैं, खाली जगह आपको जगह की कमी पड़ रही है, तो एक सेपरेट यानी कि एक अलग नाम से फोल्डर बनाइए और उस फोल्डर के अंदर आप सामान रख सकते हैं, ये शर्त है यहाँ पे। यहाँ पे पीछे का रीजन बता दूँ कि खिचड़ी पकाने से क्या होता है कि जो हमारा विंडोज़ है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको वो स्पीड दे नहीं पाएगा, आप कहोगे कि भैया ये क्या सुस्ती फैला रखी है। एक बात और, आपने जो विंडोज 10 इंस्टॉल करी है उसमें अभी आपने ड्राइवर नहीं डाले हैं, तो ड्राइवर डालने ज़रूरी है। ड्राइवर की वजह से आपके सामने कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस ना कम हो, कोई पेन ड्राइव USB ना काम कर रहा हो, माउस या कीबोर्ड काम ना कर रहा हो, या कोई भी हार्डवेयर से रिलेटेड समस्या हो सकती है ड्राइवर की ना होने की वजह से। अगर इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि आपके कंप्यूटर में ड्राइवर नहीं है। और ये ड्राइवर कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट यानी कि इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, करीब 20 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 20 मिनट का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उस वीडियो का लिंक आई बटन पे है। कोई समस्या है ड्राइवर से संबंधित, देखिए आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और उसके अलावा भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार मैं आपको दोबारा से विंडोज 10 चालू करके दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये इस बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा था, यानी कि अभी पूरी तरह से ऑन भी नहीं हुआ था। हमारे सामने फिर से वही ऑप्शन आ गया है, पूछ रहा है कि भैया विंडोज 10 चालू करना है या 7। तो इस बार हम विंडोज 10 सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। अब ये हमारा विंडोज 10 चालू हो गया है। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि आप चाहते होंगे कि मैं क्रोम ब्राउजर डालूंगा अपने कंप्यूटर में, VLC प्लेयर डालूंगा, फोटोशॉप डालूंगा, तो ये सब डालने के लिए सिंपल है। गूगल पर आएंगे, यहाँ पे जैसे आपको क्रोम ब्राउजर डालना है तो क्रोम ब्राउजर लिखेंगे, सबसे ऊपर वाली क्रोम ब्राउजर की वेबसाइट खुलेगी, वहां से क्रोम ब्राउजर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपल है। और अब इसी तरह से जैसे कि आपको VLC प्लेयर कंप्यूटर में डाउनलोड करना है यानी कि इंस्टॉल करना है, तो फिर से गूगल पे आएंगे, VLC प्लेयर लिखेंगे, VLC की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी उस पर जाएंगे, डायरेक्ट वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना होगा। और बाकी आपको अगर कंफ्यूजन है कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके लिए आप ड्राइवर इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।